ऐसा अपना एग्रेशन शो कर रहे हैं निशिकांत दुबे के खिलाफ, और भी कई विधायक हैं और भी कई नेता हैं जिन्होंने पहले ही ट्वीट करके बताया कि इतने साल का डिबार हो रहा है, इतने ये सदस्यता जा रहे। पार्टी सबके खिलाफ एग्रेशन रखती है निश्चित तौर पे। देखिए, एक माननीय विधायक ने तो उस पर पहले तो कहा कि 3 साल के लिए डिबार भी होगा, फिर उन्हीं का एक और ट्वीट आया कि उनको सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। आजकल तो लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शिवालय का घंटा बन गया कि जो भी आता है बजा के चल जाता है। उनको हम कहना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं कि हम संघर्ष के द्वारा इस राज्य को लेकर आए और इस राज्य के संचालन के लिए हमें सबके सुझाव चाहिए, लेकिन निर्देशन नहीं चाहिए। हम जानते हैं अपने कमिटमेंट को, हम उस कमिटमेंट को डिलीवर करना भी जानते हैं। दादा, अगर ऐसी कोई सदस्यता जाती है तो कोई विकल्प है आपके पास, कोई नाम? राजनीतिक विकल्पों का ही नाम है। एक विकल्प आप बता दें, अगर आपको आप लोगों ने तय किया बैठे थे, बैठे थे आप लोग। विकल्प तो हमारा हेमंत सोरेन ही है। देखिए, बंगला में एक कहावत है, मासीर यदि मोछ होता तो मामा होता, तो मौसी का अगर मूछ होता तब ना मामा होता। तो हमारा जब नेता है और उसका विकल्प हेमंत सोरेन है, ये देश में आईन है या नहीं है? हम आईन के तहत ही चलेंगे और पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, 2024 तक बड़े मजे में चलेगी और सबको जो जो कमिटमेंट है उनको हम पूरा करेंगे। दादा, जिस तरह से अभी विधायक की जाने वाली बात हो रही है, इसमें भाजपा का कहना है, यानी दीपक प्रकाश का सीधे तौर पर कहना है कि सत्यमेव जयते की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर सत्यमेव जयते इनको दिल्ली में भी बुझा गया, इनको सत्यमेव जयते तो महाराष्ट्र में भी बुझाया है। देखिए, ये लोग सत्यमेव जयते यदि कहते तो बिल्किस बानो के हत्यारे और बलात्कारियों को माला और मिठाई नहीं खिलाते, इजराइल अंसारी के मॉब लिंचिंग करने वालों को माला नहीं पहनाते। मंत्री जयंत सिन्हा जी, ये उनका सत्यमेव जयते है। कृपया करके इस देश में इस पवित्र मंत्र को इनके मुंह से हम सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, इनके दो मंत्री जम्मू में, जब कठुआ में एक पुरोहित के द्वारा रेप करके हत्या कर दी जाती है, ये सत्यमेव जयते बोलेंगे? दादा, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस में क्या आपने अपने विधायकों को रांची आने के लिए कॉल किया है, ये कहा है कि नहीं सब कोई रांची में रहे, रिच में रहे, ऐसा कुछ निर्देश? हमारे विधायक हमारे क्षेत्र की जनता को, आप देखते होंगे कि हम लोगों के विधायक सांसद, और ये आज से नहीं बहुत पहले से, क्षेत्र में रहना ज्यादा पसंद करते, इसलिए अभी कोई राजनीतिक चर्चा शुरू ही नहीं हुई है, तो इसलिए वो अपने क्षेत्र में है। जो निरंतर संवाद हम लोग से चलता है वो संवाद कायम। आज बैठक बुलाई दादा आपने, बहुत इमरजेंसी बैठक, तमाम लोग आए और तमाम लोग कह भी रहे थे कि सब कुछ तय हो जाएगा, आगे बताएंगे आपको, क्या हुआ बैठक? आपको हमको लगता है कि कोई गलत अकाउंट से कुछ चल गया होगा कि हम लोगों ने बैठक बुलाया था, आपके व्हाट्सएप का में दूसरा कुछ आ गया होगा। हम लोग बैठने मथुरा में तो जिसे भी हमने पूछा, हम लोगों ने तो कहा कि अंदर आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पार हो जाए, पता चल जाएंगे आप लोगों को, तय हो जाएगा सब कुछ। हाँ तो ठीक है, तब मथुरा का बताएंगे। 4:30 बजे वही कह रहे थे, पूछ लीजिएगा। देखिए, हम आलम जी भी आपके दादा, मेरा वो मंत्री हैं दादा, मेरा सवाल है पार्टी कॉन्फिडेंट किस बात को लेकर है, क्या आधार है आपका, क्यों नहीं मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, वो आप बताइए।
हम कॉन्फिडेंट है कि 3.5 करोड़ लोगों का आशीर्वाद हमें हमारे साथ, जन समर्थन हमारे साथ है, हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह हमारे साथ है, इस राज्य के लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है। लेकिन दादा चुनाव आयोग इन बातों को तो नहीं मानेगा, तथ्य मानेगा दादा। हम नहीं समझते हैं कि चुनाव आयोग आपसे कुछ सलाह मांगा होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने पक्ष रखने को कहा था और हमसे अपनी पक्ष रखने को कहा था। हमारे जो कानून को जानकार लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अब चुनाव आयोग का जो निर्णय आएगा तत्पश्चात बहुत सारे विकल्प है। कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, उसके लिए इस देश में अपीलीय बहुत व्यवस्थाएं की गई है। हम उन दिशाओं पर भी सोचने का काम करेंगे। एक छोटा सा और ये है कि जब अगर पार्टी अस्वस्थ थी कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया रिन्यूअल का लीज का, उसमें कोई गलत नहीं था, तो एक तो बात आया कि फिर से उसको बैक किया गया कि उसको सरेंडर किया गया। दूसरी बात आप कह रहे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस आधार पे नहीं बनेगा क्योंकि हमारे लीगल एडवाइजर ने ऐसा कहा, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपके लीगल एडवाइजर ने कहा वैसा ही सत्य हो। सिर्फ मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। अब निर्णय तो चुनाव आयोग को लेना है। अब चुनाव आयोग का निर्णय आ जाने दीजिए आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जितने सवाल होंगे सब के उत्तर होंगे। अभी जो मुख्यमंत्री का छवि आप बोल रहे हैं कि सांसद विधायक मिलकर ट्विटर खेल के मीडिया वालों ने खराब किया, तो आप कोई उस पर एक्शन लेंगे? पार्टी आपकी लेगी, उनके खिलाफ जाएगी कोर्ट? हमने तो चुनाव आयोग से कहा है कि स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव आयोग, ये तो विचित्र स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हुई। एक विधायक जी के खिलाफ शिकायत गई तो वो शिकायत ही वापस आ गई और बाकी शिकायतों पर जांच चलती। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सबसे हम लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए जो सबसे पवित्र जगह है, वो यदि आज सवाल के घेरे में है, तो ये उनका दायित्व है कि उनको अपनी जो संवैधानिकता है, अपना जो सुप्रीम ऑथोरिटी है, उसको बनाए रखें। चुनाव आयोग संज्ञान लेगा आपको लग रहा है? अगर नहीं लेगा तो क्या करेंगे? संज्ञान नहीं लेगा तो हमारे पास भी कई विकल्प है, हम उस तरफ भी जाएंगे। दादा 2019 में आपको गद्दी तक चुनाव आयोग ले आया, करा के 2 साल में क्या आप कह रहे हैं चुनाव आयोग एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगा रहे हैं, जैसे समरी लाल का आपने उदाहरण दिया कि उनका काजल? नहीं देखिए, चुनाव आयोग केवल 2019 में हमको मदद नहीं किया, बाकी चारों उपचुनाव में भी चुनाव आयोग हमको मदद किया। मदद इन द सेंस कि चुनाव करवाया, लोगों का आशीर्वाद हमको मिला, फेयर कराया, फेयर हुआ। तो विश्वास क्यों डिग गया जेएमएम का? नहीं, विश्वास आज इसलिए डिगा कि चुनाव आयोग का अभी तक कोई खंडन नहीं आया सांसद के वक्तव्य पर। सांसद पे केस करेंगे ना आप लोग मानहानि का किसी तरीके से? अब तो वो क्या विकल्प है हम लोग के पास, वो एक्सप्लोर करेंगे। दादा वो कंटिन्यू ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जेएमएम के पीछे पड़े हुए हैं, ईडी किसी और को नहीं पता होगा जो निशिकांत जी को पता होगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि अब एजेंसियों के साख पर संकट है, इनको अब साबित करना पड़ेगा कि उनको कौन डिक्टेट कर रहा है। नहीं, आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर सकते हैं इसको? हमारा छवि कभी धूमिल नहीं होगा, क्योंकि हम जमीन में रहने वाले लोग हैं। हम कोई निजी विमान कंपनी में कितने पैसेंजर कहां से आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं, विमान का टाइमिंग क्या है, हम वो प्रवक्ता लोग नहीं हैं। हम जानते हैं जमीन की हकीकत को, और धूमिल नहीं, धूल तो हमारे पैरों से लेके माथे तक सना हुआ रहता है, इसलिए धूमिल क्या करेंगे लोग। भाजपा के दीपक प्रकाश जी तो अस्वस्थ हैं कि चैलेंज भी कर रहे हैं कि अभी चुनाव तो अभी हम लोग आ जाएंगे, उनको यदि मुख्यमंत्री बनना तो हम लोगों से आग्रह करें, हम लोग विचार करेंगे। दादा आप एक ये सवाल है कि जेएमएम क्या अभी संकट में है? बाबा पे भी लोकायुक्त का मामला, बसंत सोरेन पे भी चल रहा है, हेमंत जी का भी आप सुन ही रहे प्रकरण, तो आपको लग रहा है कि जेएमएम ठीक है? देखिए 1972 से कभी ऐसा एक रात नहीं होगा जिस दिन हम लोग आराम से सोए होंगे। ये तो 2022
हम लोग का अभी गोल्डन जुबली ईयर चल रहा है, तो इसलिए ये तो हम लोगों का चोली दामन का साथ है, संघर्ष और संग्राम, और संकट उसमें हम लोगों का एक आभूषण है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।